एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुसरत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 13th of April के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2022 to 2023 एज पर द आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी April 2022? तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन को कट करते हुए 7.2% पे स्टैंड किया है, ठीक है। और पहले इनका प्रोजेक्शन कितना था, 7.8%। और इसी के साथ जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है वो पहले 4.5% बताया गया था और अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 5.7%, ठीक है। रीज़न क्या है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखी जा रही है ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में, साथ ही साथ एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी है जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं उसके बीच, ठीक है। रीज़न ऑब्वियस आप बता सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से ये सब देखा जा रहा है, ठीक है। सारी कंट्रीज ऑब्वियसली अफेक्टेड होंगी उससे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। विच कंपनी हैज़ बीन द फर्स्ट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इंश्योरर टू अचीव कंप्लीट आरबीआई मैंडेटेड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर इट्स पीपीआईज? तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो पहली प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इंश्योरर बन गई है जिसने कि जो आरबीआई ने मैंडेटरी इंटरऑपरेबिलिटी का क्राइटेरिया बताया है उसको कंप्लीट कर लिया है? आंसर है लाइफ क्विक। विच बैंक हैज बीन पनिश्ड बाय द आरबीआई फॉर डेटा ब्रीचेज इन्वॉल्विंग चाइनीज कंपनीज? तो रिगार्डिंग डेटा ब्रीचेज आरबीआई ने पेनलाइज किया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, ठीक है। और पेटीएम के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये अभी हाल ही में लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई बेनिफिशरी बन गया है इंडिया का, और इसने हाल ही में एक लैंडमार्क अचीव किया था 926 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन करके एक सिंगल मंथ में। इसी के साथ ये पहला ऐसा बेनिफिशरी बैंक भी बन गया है, ठीक है। और पनिशमेंट की बात करें तो आरबीआई ने हाल ही में दो बैंक को पेनलाइज किया है विद 93 लाख रुपीज ईच। कौन से दो बैंक हैं ये? फर्स्ट है इसमें एक्सिस बैंक और सेकंड है आईडीबीआई बैंक, ठीक है। और एक्सिस बैंक की बात करें तो इसने हाल ही में जीता है एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड, कहाँ पे? एट द आईएफआर एशिया अवार्ड 2021। साथ ही एचडीएफसी बैंक ने एक अवार्ड जीता है जिसका नाम है बेस्ट प्राइवेट बैंक एट द ग्लोबल बैंकिंग अवार्ड्स 2021, ठीक है। द आर बी आई इनोवेशन हब हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट द फिनेंशियल इंक्लूजन? फिनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए आर बी आई के इनोवेशन हब ने एक MOU साइन किया है IIT मद्रास के साथ। हु विल लीड द आर बी आईज न्यूली फॉर्म्ड डिस्टिंक्ट इंटरनल फिनटेक डिपार्टमेंट? तो कई एग्जाम में देखा गया कि सिंपली यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आर बी आई ने जो हाल ही में एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया है उसका नाम क्या है, याद रखिएगा फिनटेक, और इसको लीड करेंगे मिस्टर अजय कुमार चौधरी, ठीक है। विच बैंक वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द आर बी आई फॉर इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस? तो हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक को अप्रूव कर दिया गया है कि अब ये इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस कर सकते हैं। एज पर द लेटेस्ट मीटिंग ऑफ आर बी आई मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, वॉट इज द पॉलिसी रेपो रेट? तो रेपो रेट को 11वीं बार लगातार अनचेंज किया गया है और इसको 4% पे ही रखा गया है। रिवर्स रेपो रेट कितना है अभी फिलहाल? 3.35%, इसको भी अनचेंज किया गया। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट है 4.25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को सेटअप किया गया था टू इम्प्लीमेंट द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एट द नेशनल लेवल, ठीक है। और इसके लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने हाल ही में लॉन्च किया है एक नया वर्जन हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022 अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इसमें इन्होंने 365 नए प्रोसीजर्स ऐड किए हैं और अब टोटल कितने प्रोसीजर हो गए हैं इसमें, 1942
नहीं, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने डिफरेंशियल प्राइसिंग को इंट्रोड्यूस किया है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिटी एंड लेवल ऑफ केयर। फाइन, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट योजना देखते हैं। विच स्टेट इंप्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये कौन से स्टेट की स्कीम है? आंसर है हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अंदर में एक्चुअली फार्मर्स को कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है अगर उनकी क्रॉप्स डैमेज होती हैं ड्यू टू वेदर या फिर कोई नेचुरल कलामिटी की वजह से। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर कौन है हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर। बाय इम्प्लीमेंटिंग द ई विधान प्रोग्राम विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू हैव अ पेपरलेस असेंबली, तो नागालैंड असेंबली पहली ऐसी असेंबली हो चुकी है जो कि कंप्लीटली पेपरलेस बन गई है। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इम्प्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यकरण योजना, ये स्कीम है न्यू दिल्ली की और इसके अंदर में पार्क और रोड्स को ब्यूटिफाई किया जाएगा। विच इज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू इम्प्लीमेंट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विद इट्स एटिकोपका टॉयज, आंसर है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो अब जो ये पर्टिकुलर टाइप के टॉयज होते हैं इनको इस रेलवे स्टेशन पे सेल किया जाएगा। विच इंडियन स्टेट इम्प्लीमेंट्स द ज्योति संजीवनी स्कीम, आंसर है कर्नाटका और इसके अंदर में हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है टू द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट द BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, आंसर हो जाएगा बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है, एक्चुअली BBIN में चार कंट्रीज आती हैं, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल। तो यहाँ भूटान क्यों नहीं लिखा है? एक्चुअली चारों कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट के तहत अब चारों कंट्रीज अपने व्हीकल्स को अप्लाई कर सकते हैं एक दूसरे की कंट्री में फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कार्गो ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, लेकिन अभी भूटान इस पे एग्री नहीं कर रहा है क्योंकि भूटान कुछ डिफरेंट टाइप के चेंजेस चाहता है अभी इस एग्रीमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, इनका ये कहना है कि जो व्हीकल्स हैं हमें उनको लिमिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भूटान अपने इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। ठीक है, तो इनका मानना है कि ज़्यादा व्हीकल्स आएंगे तो ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा, इसलिए चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट के तहत जो नंबर ऑफ व्हीकल्स ट्रैवल करने के हैं दूसरे कंट्रीज़ में उनको हमें लिमिट करना चाहिए। ठीक है, तो यही रीज़न है कि भी भूटान ने इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया है, तो अभी ये फिलहाल ऑब्जर्वर बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली लॉन्च्ड द अवसार स्कीम, अवसार का फुल फॉर्म क्या होता है? एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिजन्स ऑफ द रीजन। ठीक है, तो पता चल गया होगा आंसर है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हाल ही में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इस स्कीम को। एम क्या है? कुछ पर्टिकुलर स्पेस एलोकेट किया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए उनके एयरपोर्ट्स पे, ताकि वहाँ पे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करें और शोकेस करें अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर में 100 to 200 स्क्वायर फीट एरिया अब एयरमार्क किया जाएगा हर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेटेड एयरपोर्ट पे फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। विच एयरपोर्ट वन द कोविड चैंपियन अवार्ड एट द विंग्स इंडिया 2022 इवेंट, ये इवेंट कहाँ हुआ था? हैदराबाद में, और ये कोविड चैंपियन वाला अवार्ड दिया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। वट इज़ द टारगेट सेट बाय इंडिया फॉर एस्टैब्लिशिंग न्यू एयरपोर्ट्स बाय 2025? तो 2025 तक हम 220 नए एयरपोर्ट क्रिएट करेंगे। विच कंपनी रिसेंटली टुक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिलहाल अदानी ग्रुप के पास है इसकी मैनेजमेंट। हाउ मेनी एयरपोर्ट्स हैव रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन लेवल एज पर द स्टैंडर्ड सेट बाय ACI ग्रेडिंग, तो चार ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन ऑफ द कार्बन एमिशन लेवल। कौन से चार एयरपोर्ट हैं ये? फर्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ है? कोलकाता में। सेकेंड है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ है? भुवनेश्वर इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, थर्ड है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी का, और फोर्थ है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम इन द एयरपोर्ट, तो इंडिया का पहला जो बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल सिस्टम है उसका नाम क्या है? डिजी यात्रा। व्हाट इज़ द मिनिमम एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक टू बी डिक्लेयर्ड एज अ मेजर एयरपोर्ट इन इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर कर सकती है अगर वहाँ पे एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक
35 लाख का है तो, ठीक है। और ये करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एरा एक्ट ऑफ 2008। याद रखिएगा, हाल ही में एयरपोर्ट ऑफ श्रीनगर को डिक्लेयर किया गया है मेजर एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स। हमने देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कंस्टिट्यूट किया है एक प्रमोशन टास्क फोर्स जो कि रिकमेंड करेगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर हायर स्टडीज इन दिस सेगमेंट, ठीक है। तो इसको हेड कौन करेंगे? सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और इसमें बहुत सारे और सेक्रेटरीज रहेंगे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के, फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डिपार्टमेंट फॉर हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एट्सेट्रा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखेंगे। हु इज द हेड ऑफ द सेबी कमिटी ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ गवर्नेंस नॉर्म्स एट स्टॉक एक्सचेंजेस। इसके लिए हेड बनाया गया है जी महालिंगम को, ठीक है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिल सीक्स टू सेट अप अ कोऑर्डिनेशन कमिटी हेडेड बाय डैश। तो इस बिल के तहत में एक कोऑर्डिनेशन कमिटी सेटअप की जाएगी और इसको हेड करेंगे सेक्रेटरी ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। SBI appointed whom to the position of group head of digital banking at the level of deputy MD. इसके लिए SBI ने appoint किया है Mr. Nitin Chugh को। Who is the head of the task force set up to look into the cases of suicide in central armed police forces? तो CAPF में जो इतने ज़्यादा suicide के cases देखे जा रहे हैं उसके लिए एक task force set up किया गया है जो कि इस matter को अच्छे से investigate करेगी, और इसके लिए हेड बनाया गया है VSK कौमुदी IPS को। हु वॉज रिसेंटली नेम्ड एज द न्यू हेड ऑफ द नेशनल ई गवर्नमेंट डिवीजन। आंसर है मिस्टर अभिषेक सिंह, ओके। हु इज द हेड ऑफ द एपेक्स कमिटी दैट विल गाइड द G20 सेक्रेटरीट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं अगले साल मतलब 2023 में हम G20 की प्रेसिडेंसी ले लेंगे, इसी वजह से एक G20 सेक्रेटरीट को एस्टैब्लिश किया गया है इसके फंक्शंस को अच्छे से मैनेज करने के लिए। और इस एपेक्स कमेटी के हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। याद रखिएगा, इस साल के लिए कौन है G20 का प्रेसिडेंट? इंडोनेशिया, ठीक है। और ब्रिक्स की बात करें तो लास्ट ईयर हम थे इसके प्रेसिडेंट, मतलब इंडिया थी 2021 में, और अब हमने चाइना को इसकी प्रेसिडेंसी दे दी है। ब्रिक्स में 5 कंट्रीज होती हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे लेटेस्ट कंट्री है इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द एक्सपेंडिंग हीट रेजिलियंस रिपोर्ट। तो हाल ही में नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखे गए हिमाचल प्रदेश और केरला में, ठीक है, जहाँ पे यूजुअली हीट वेव्स देखी ही नहीं जाती थी, यहाँ पे अब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का केस देखा जा रहा है, ठीक है। तो अब जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जो कि इफेक्ट हो चुके हैं हीट वेव से वो 28 हो चुके हैं 2019 में मतलब, और उसके पहले था 19, मतलब सिर्फ 19 ऐसे स्टेट थे पहले जो कि हीट वेव से अफेक्टेड होते थे, राइट। तो सिंपली पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट किसकी है, याद रखिएगा NRDC की। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स देखेंगे। विच इंडियन बिलियनेयर टॉप्ड द ह्यूरॉन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 इन द कंट्री। इस लिस्ट को टॉप किया है इंडिया से फाल्गुनी नायर ने जो कि नायका से हैं। एक्चुअली 3 इंडियन वुमेन फीचर हुई थी इस साल के लेटेस्ट ह्यूरॉन लिस्ट ऑफ वुमेन सेल्फ मेड बिलियनेयर में। इसमें फर्स्ट थी फाल्गुनी नायर जो कि नायका से हैं, सेकेंड थी किरण मजुमदार शॉ, और थर्ड हैं राधा वेम्बू, ठीक है। हु टॉप्ड द 2022 M3M ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट इशूड बाय ह्यूरॉन इंडियन एसोसिएटेड विद रियलिटी अ रिसर्च एंड लग्जरी पब्लिकेशन ग्रुप। आंसर है इसका एलॉन मस्क, जो कि CEO भी हैं टेस्ला के। विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली इन द ISSF वर्ल्ड कप 2022। ये इवेंट कहाँ हुआ था? कायरो इजिप्ट में, और इसको जीता है इंडिया ने, ठीक है। हमने टोटल 7 मेडल इसमें जीते हैं जिसमें से 4 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 1 ब्रोंज था। सेकेंड कंट्री कौन सी थी इस मेडल टैली में? नॉर्वे, और थर्ड था फ्रांस। विच स्टेट टॉप द लिस्ट एट द नेशनल लेवल इन द फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज। इसको टॉप किया है उड़ीसा ने।
विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन द 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स? तो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की मेडल टैली को टॉप किया नॉर्वे ने. इसमें टॉप 5 कंट्रीज कौन सी थी? फर्स्ट था नॉर्वे, फिर जर्मनी, फिर इसके बाद चाइना, फिर US और इसके बाद स्वीडन. मलकानगिरी विच टॉप द मोस्ट इम्प्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज सेक्टर इज इन विच स्टेट? तो मलकानगिरी ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड वाटर सेक्टर, और ये कहाँ पे है? उड़ीसा स्टेट में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑर्गेनाइजेशन फ्लाइट टेस्टेड द सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बूस्टर? तो हाल ही में DRDO ने फ्लाइट टेस्ट किया है इसका एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा. ठीक है, और ये एक तरह का प्रोपल्शन होता है जो कि इनेबल करता है मिसाइल को टू इंटरसेप्ट एरियल थ्रेट्स एट वेरी लॉन्ग रेंज. ठीक है, और इसको डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद ने इन कोलाबरेशन विद डिफरेंट DRDO लेबोरेटरीज. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे. विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली फ्लाइट टेस्टेड द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल? इसको टेस्ट किया था DRDO ने. विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड एन ऑटिज्म अर्ली स्क्रीनिंग टूल फॉर द चिल्ड्रेन? ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया. विच कंट्री सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल? आंसर है इंडिया. विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम सबमरीन? ये मिसाइल है रशिया की. वेयर सॉन्ग 8 विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टेड बाई विच कंट्री? इसको टेस्ट किया था कुछ दिनों पहले नॉर्थ कोरिया ने. विच इंस्टीट्यूशन हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द इंडिजिनसली डेवलप्ड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? आंसर हो जाएगा DRDO. विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी हैज फ्लाइट टेस्टेड अ रीयूजेबल सब ऑर्बिटल स्पेस व्हीकल रिसेंटली? आंसर है चाइना. ठीक है, कीवर्ड्स थोड़ा सा याद रखा करिए. फॉर एग्जाम्पल रीयूजेबल सब ऑर्बिटल है ना, तो इसे गेस करना आसान हो जाता है यूजुअली आंसर को. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री सप्लाइज MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स टू द इंडिया? तो इंडिया प्रोक्योर कर रही है 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स एज अ पार्ट ऑफ 15,000 crore rupees डील विद द US गवर्नमेंट. ठीक है, और जो फर्स्ट बैच है इंडियन नेवी के एयर क्रू का जो कि अपनी ट्रेनिंग के लिए गए थे, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है USA में और अब वो ऑपरेट कर सकते हैं MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को. ठीक है, इसको मैन्युफैक्चर कौन करता है? लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन, और ये एक तरह का ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है जो कि मल्टीपल मिशन को सपोर्ट करता है. ठीक है, अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर देखेंगे. केतान जी ब्राउन जैक्सन हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जस्टिस टू सर्व इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री? तो अब ये बन गई हैं पहली ब्लैक वुमेन जस्टिस जो कि सर्व करेंगी US के सुप्रीम कोर्ट को. विच कंट्रीज एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड HD1 गैलेक्सी द डिस्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट एवर डिस्कवर्ड? इसको हाल ही में डिटेक्ट किया है US के एस्ट्रोनॉमर्स ने. विच कंट्री लॉन्च द अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट गॉफेन 303? देखिए, ये वाली न्यूज़ हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर की थी, तो अगर कोई बहुत थॉरली कवर करना चाहता है इस न्यूज़ को, पढ़ना चाहता है इसके बारे में, तो वो उस लेक्चर को रेफर कर सकता है. अदरवाइज सिंपली हम लोग इसको वन लाइनर के फॉर्म में फिर आगे देखने लगते हैं. आंसर है यहाँ पे चाइना. जम्प स्टार्ट अवर लीगल इमिग्रेशन सिस्टम एक्ट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ये रिलेटेड है USA से. खंजर इज अ ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो खंजर एक्सरसाइज है इंडिया और किर्गिस्तान की. विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ COP28 क्लाइमेट समिट 2023? इसके लिए होस्ट है UAE. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट परसेंट ऑफ द डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट इज ईयर मार्क्ड फॉर द प्राइवेट इंडस्ट्रीज? तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में अनाउंस किया है कि अब 25% ऑफ द डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट ईयर मार्क किया जाएगा प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022-23. ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? लगभग 21,000 crore rupees. तो 1500 crore rupees हमने देखा था कि ईयर मार्क किए गए हैं फॉर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम स्टार्टअप, मतलब स्टार्टअप से खरीदे जाएंगे ऐसे प्रोडक्ट. और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसके पहले डिसाइड किया था कि 68% ऑफ द कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट को इंटायर डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए सबमिट किया जाएगा ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर. फाइन, क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं.
Which organization launched the first fully private astronaut mission to the International Space Station? Answer ho jayega, Space X. Wagner Group is a private military company of which country? तो वैगनर ग्रुप अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा एक्टिव देखी गई, कहाँ पे? ईस्टर्न यूक्रेन में, और ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है रशिया की. एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल क्रेडिट सपोर्ट टू द MSMEs. इसके लिए पार्टनर बनाया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को. विच बैंक रिसीव्ड द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया अवार्ड एट द प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021. अवार्ड दिया गया है ये वाला HDFC बैंक को. विच कंपनी कोलाबरेटेड विथ ह्यूगस कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोवाइड द सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया. ये कंपनी है भारती एयरटेल. विच प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया इनिशियली स्टार्टेड एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज प्रोवाइडिंग माइक्रो लोन्स टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ये कौन सी बैंक है? बंधन बैंक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state government launched the corruption free application 1064? तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो कि हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है करप्शन फ्री उत्तराखंड ऐप 1064. ठीक है, इसका एम क्या है इस एप्लीकेशन का? स्टेट को टोटली करप्शन फ्री बनाना, साथ ही साथ इंश्योर करना कि गवर्नेंस कैरी आउट हो रहा है इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर. ठीक है, इस एप्लीकेशन को दोनों लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखते हैं. न्यू इज द नेम ऑफ अ सुपर एप्लीकेशन ऑफ विच इंडियन कॉन्ग्लोमरेट? तो न्यू एप्लीकेशन है टाटा ग्रुप का. दिशांक इज अ लैंड डिजिटाइजेशन एप्लीकेशन ऑफ विच इंडियन स्टेट? दिशांक एक एप्लीकेशन है कर्नाटका का, इसके अंडर में लैंड को बेसिकली डिजिटल बनाने की कोशिश की जाती है. विच बैंक हैज एस्टैब्लिश्ड अ सूर्य शक्ति सेल टू प्रोसेस द सोलर पावर लोन एप्लीकेशंस? तो जो सोलर बेस्ड लोन एप्लीकेशंस आते हैं SBI के पास में, उनको जल्दी प्रोसेस करने के लिए इन्होंने एस्टैब्लिश किया है एक सूर्य शक्ति सेल. विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन दैट इनेबल्स द डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉय टू ट्रैक एंड इफेक्टिवली फॉलो अप विद स्पेशल मेंशन अकाउंट? ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक. और याद रखिएगा, RBI के एक रिपोर्ट के हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज़्यादा फ्रॉड देखे गए हैं. भाषा संगम इज़ अ न्यू एप्लीकेशन टू बी लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? भाषा संगम एप्लीकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द पोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन? इसके लिए एप्लीकेशन डेवलप किया है शिपिंग मिनिस्ट्री ने हमारी, और इसका नाम है माई पोर्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ द फर्स्ट हिंदी नॉवल टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइस? तो एक बुक है जिसका नाम है टोम ऑफ सैंड, इसको हाल ही में नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइस के लिए. ठीक है, और इस बुक को लिखा किसने है? ऑथर भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि श्री, और इसको ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने. ठीक है, तो 5 नॉमिनीज हैं इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइस के लिए पूरे वर्ल्ड से, और जो जीतेगा उसको £50,000 का लिटरेरी प्राइस दिया जाएगा. ठीक है, और ये जो प्राइस होता है ये शेयर किया जाता है बिटवीन ऑथर एंड द ट्रांसलेटर. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देखेंगे. हु इज द विनर ऑफ द स्टॉकहोम वाटर प्राइस 2022? इसके लिए विनर थे विल फ्राइड ब्रुटसेट. ठीक है, हु हैज बीन अवार्डेड द एबल प्राइस 2022? एबल प्राइस कौन सी फील्ड में देते हैं? मैथमेटिक्स की फील्ड में. और इस साल के विनर हैं डेनिस पार्नल सुलीवन. ओके, हु इज द विनर ऑफ 2022 प्रिट्जकर प्राइज? प्रिट्जकर प्राइज प्रेजेंट किया गया है डेविडो फ्रांसिस केयर को. विच स्टेट वन द फर्स्ट प्राइज इन द 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी? तो इसमें फर्स्ट प्राइज दिया गया है उत्तर प्रदेश स्टेट को. विच इंडियन हैज बिकम द 3rd वुमेन टू रिसीव द 2021 DST-ICTP IMU रामानुजन प्राइज? तो 3rd वुमेन बन गई हैं वेरी फेमस नीना गुप्ता इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए. ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे. ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा. बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन.
आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू जैद सना साइनिंग ऑफ।